Vacuum diode. वैक्यूम डायोड ये ट्यूब में कंबाइन होता है. एक ट्यूब होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती है, कैथोड और एनोड, जो एक इवैक्यूएटेड ग्लास में एनक्लोज होती है, उसे वैक्यूम डायोड. अगर हम वैक्यूम डायोड को कॉमनली देखें, ये जो प्लेट है ये हमारी एज ए एनोड वर्क करती है, जिसको हम प्लेट या एनोड बोलते हैं. इसके बीच में कैथोड कंबाइन होता है. हमारा कैथोड हीटर के साथ कंबाइन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं. ये हमारा इवैक्यूएटेड वैक्यूम डायोड होता है. अगर हम इसके सिंबल के बारे में बात करें, तो हमारा वैक्यूम डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है. कैथोड जो हीटर के साथ कंबाइन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है, और एनोड उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. हीटर का यूज़ हम कैथोड को हीट करने के लिए करते हैं, ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकें. वैक्यूम डायोड को अगर हम कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं करते, तो उस टाइम पे हमारा जो वैक्यूम डायोड है वो कंडक्ट नहीं करता. लेकिन अगर हम हीटर से हीट अप्लाई करते हैं अपने कैथोड पे, तो उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो सिर्फ कैथोड की तरफ ही रहेंगे, वो प्लेट एनोड की तरफ मूव नहीं करेंगे. और एमीटर जो कि हमारा करंट शो करेगा, वो उस टाइम पे ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारी कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं हो रही. ये हमारी कंडीशन है नो वोल्टेज अप्लाई पे. और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में चार्ज पर्ड होता है, उन्हें हम स्पेस चार्ज बोलते हैं. जो स्पेस जो कैथोड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते हैं, वो चार्ज नेगेटिवली होता है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, उसे स्पेस चार्ज बोला जाता है. लेकिन अगर हम एनोड को पॉजिटिव करें विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैथोड को नेगेटिव करें, तो हमारा एमीटर में से करंट फ्लो होगा. एमीटर हमारा शो करेगा जितना हमारे सर्किट में से करंट फ्लो होगा, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और हमारा जो करंट है वो एनोड से पूरे सर्किट में मूव करेगा, और इस तरह हमारा सर्किट वर्क करेगा. और जो करंट फ्लो होगा हमारे सर्किट में से, उसको हम प्लेट करंट जो आईपी से डिनोट करेंगे, यानी प्लेट करंट जो एनोड से फ्लो करेगा हमारे सर्किट में, उसको हम आईपी से डिनोट करते हैं. अगर हम एनोड को नेगेटिव कर दें, यानी ऑपोजिट कर दें, और कैथोड को पॉजिटिव कर दें, तो अगेन हमारा रिवर्स बैटरी कंबाइन होगी हमारे सर्किट के साथ. इट मीन्स अगेन हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो पहले एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, वो वापस से कैथोड की तरफ रिटर्न बैक हो जाएंगे, और कैथोड की तरफ ही मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन रिपेल बैक होंगे कैथोड की तरफ. और अगर हमें अपने वैक्यूम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, तो इसमें हम जो अपना कैथोड होता है उसे एक सर्किट से कंबाइन करते हैं, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर है, जो 1-5 AC इनपुट प्रोड्यूस करता है. इसमें से हम अपनी इनपुट सप्लाई करते हैं. हमारा एनोड हमारे मिलीएमीटर के साथ कंबाइन है, और हमारी जो प्लेट वोल्टेज हमारी ईपी से डिनोट करते हैं, उसको हम वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस आर के थ्रू, जो कि हमारा एक पोटेंशियो डिवाइडर है. कैथोड की सप्लाई को हम अपने वेरिएबल रेजिस्टेंस से कंबाइन करते हैं और उसको वेरी कर सकते हैं, और हम अपने प्लेट की सप्लाई को ईपी, यानी कि जो हमारे प्लेट की तरफ सप्लाई जाती है, उसको हम वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं, जो कि हमारा पोटेंशियो डिवाइडर के साथ कंबाइन होता है. और सप्लाई वोल्टेज से हमें ईपीपी, जिससे हम डिनोट करते हैं, उससे हम सप्लाई करते हैं. अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्लेट वोल्टेज और प्लेट करंट के बीच में,
अगर हमारी वोल्टेज जीरो है तो हमारा प्लेट करंट भी जीरो होगा, लेकिन अगर हम प्लेट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा जो स्पेस चार्ज है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है। लेकिन अगर हम प्लेट वोल्टेज को, जो हमारी लोअर प्लेट वोल्टेज होती है, उनका जो नेगेटिव स्पेस चार्ज होता है वो मोर इफेक्टिव होता है। जब हमारे प्लेट वोल्टेज इंक्रीज़ करती है तो हमारा प्लेट करंट भी इंक्रीज़ करता है और उस टाइम पे टेम्परेचर वन यानी हमारे जो कैथोड का टेम्परेचर T1 है उस पे हम अपने रीडिंग को नोट करते हैं जो हमारे मिली एम्पियर से शो होती है। टेम्परेचर T1 पे जो हमारी IS1 कंडीशन होती है, जो प्रोड्यूस होती है, इस कंडीशन को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जो कि कैथोड टेम्परेचर T1 पे है। इस जो प्लेट करंट है इस अंडर द कंडीशन वर्क करता है, लेकिन अगर हम कैथोड टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे और उस टाइम पे जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे जो प्लेट वोल्टेज और प्लेट करंट इंक्रीज हो करते हैं और हमारा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और क्योंकि हमारा टेम्परेचर रेज होता है तो हमारे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, एमिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव होते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये रीजन है इसको हम स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन बोलते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं प्लेट करंट इज इक्वल टू KEP 3/2। इसको एनेटिक यानी कि K हमारा कॉन्स्टेंट है, EP हमारा प्लेट वोल्टेज है। ये हमारा प्लेट करंट और प्लेट वोल्टेज का रिलेशनशिप है जिसको हम चाइल्ड लॉ से भी डिनोट करते हैं। इस रिलेशन को चाइल्ड लॉ भी कहा जाता है। ये हमारे प्लेट वैक्यूम डायोड की हैं। अगर हमारा वैक्यूम डायोड, हम कहते हैं कि हमारा वैक्यूम डायोड एज ए रेक्टिफायर भी वर्क करता है। अगर हम अपने कैथोड को लोड से कंबाइन कर दें, कैथोड और एनोड को रेजिस्टर लोड से कंबाइन कर दें और अपने इनपुट से एसी सप्लाई करें, ये हमारी एसी सप्लाई है। जब हम एनोड को पॉजिटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो हमारी एसी सप्लाई होती है। इस टाइम में पॉजिटिव हाफ में जब हमारा पॉजिटिव वेव जाएगी तो हमारे कैथोड से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और हमारे प्लेट यानी एनोड की तरफ मूव करेगा और हमें आउटपुट पे एक पॉजिटिव वेव मिलेगी। मगर अगर हम रिवर्स कंडीशन कर दें यानी कि हम एनोड को नेगेटिव कर दें और कैथोड को पॉजिटिव कर दें तो हमारी, अगर हम इनपुट से मतलब हमारी नेगेटिव वेव जा रही है इस टाइम पे, तो हमारे सर्किट में इस टाइम पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और हमें आउटपुट पे नेगेटिव वेव में ज़ीरो आउटपुट मिलेगी और हमें सिर्फ पॉजिटिव वेव जब हम एनोड पॉजिटिव होगा कैथोड नेगेटिव होगा उसी टाइम पे प्रोड्यूस होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैक्यूम डायोड है वो एज अ रेक्टिफायर भी वर्क करता है। यह है हमारा वैक्यूम